में इतनी बातें कर रहे हैं तो इस एड में बताई गई बंटी की मां की सलाह वस्तुतः सही थी। साबुन पानी से कोरोना वायरस कैसे मर जाता है, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अन्य वायरसों की तरह कोरोना वायरस भी आरएनए मटेरियल है जो कि एक मेम्ब्रेन में बंधा हुआ होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है, जो एक गुब्बारे की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जो सतह है वो बनी होती है फैट से। फैट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी किसी भी मिश्रण में घुलते नहीं है, और इस वजह से वायरस काफी हद तक खून के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्योर रहता है। अब यहीं पर साबुन पानी और साबुन पानी के जो एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी होती है वो काम में आती है। सोप पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो ये कि इस पार्टिकल के दो एंड्स होते हैं, एक एंड पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरा एंड फैट की तरफ। इसी कारण से सोप मैल को निकाल पाता है, और इसी कारण से सोप वायरस को मार देता है, क्योंकि वायरस की जो आउटर लेयर है जिसमें उसका आरएनए मटेरियल सुरक्षित रहता है, सोप की पार्टिकल का एक एंड उससे चिपक जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया उसका उस पार्टिकल का दूसरा एंड पानी की तरफ खींचता है, यानी कि जो सोप का जो पार्टिकल है वो वायरस को एक गुब्बारे की तरह खींचना शुरू कर देता है, और वायरस का जो आउटर लेयर है वो फट जाता है, और उसका सारा इनर मटेरियल जो उसका आरएनए है वो सब बाहर आके बेकार हो जाता है, और इस प्रकार से वायरस मर जाता है। मगर यह जानना जरूरी है कि ऐसा होने के लिए सोप पार्टिकल को 20 सेकंड का समय लगता है, यानी उस फैट को घुल जाने के लिए, उसको गला देने के लिए वायरस के फैट को सोप को लगभग 20 सेकंड चाहिए होते हैं, और इसीलिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि साबुन से हाथ आप 20 सेकंड या उससे ज्यादा धोइए। साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि जो सोप का सोल्यूशन है वो आपके पूरे हाथ के सतह पर जाए। अगर वायरस यहां पर है और आपने सोप यहां पे लगाया तो ये वायरस नहीं मरेगा, इसलिए जब भी हाथ धोइए 20 सेकंड के लिए धोइए, और हाथ को ढंग से धोइए ताकि हाथ की पूरी सतह साबुन से घिर जाए और सारे वायरस मर जाएं। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको लिक्विड हैंड वॉश मिलेंगे, आपको एंटीसेप्टिक हैंड वॉश मिलेंगे, आपको फोम के भी हैंड वॉश मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के हैंड वॉश मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या साबुन पानी का जो प्रॉपर्टी है वो साबुन के प्रकार या उसकी ब्रांड से चेंज होती है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड है किसी भी साबुन में, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, या वो लिक्विड हो या वो फोम हो, वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती हैं, और उसी केमिकल एक्शन से ही वो वायरस को मारता है। यानी कि 5 रुपए का साबुन जिसमें कोई एंटीसेप्टिक लिखा नहीं होता है, सस्ता से साबुन मिलता है, उसकी जो एफिशियंसी है वो 100 रुपए का साबुन जो महंगा मिलता है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं उसके बराबर है। दोनों बस आपको 20 सेकंड हाथ धोना है और ढंग से धोना है। साबुन कोई सा भी हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, बट्टी हो, पुरानी हो तो भी चलेगा, कोई लोग पुराने साबुनों को मिला करके एक नया साबुन बना देते हैं वो भी चलेगा, सब बराबर इफेक्टिव है, बस आपको हाथ ठीक से धोना है। एक और सवाल जो मार्केट में लोग बातें कर रहे हैं वो ये है कि क्या हैंड सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के बीच में कौन सा तरीका बेहतर है। अब इसका जवाब यह है कि दोनों लगभग बराबरी हैं, लेकिन हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने पे एक कमी आ सकती है। यदि आपके हाथ पर धूल लगी है, मिट्टी लगी है, ग्रीस लगी है, तो उसके पीछे अगर वायरस छुपा हुआ है तो हैंड सैनिटाइजर उसको खत्म करने में नाकामयाब रह सकता है। हालांकि साबुन पानी से अगर आपने हाथ धोया तो ये सारी ग्रीस और मिट्टी निकल जाएगी, इसलिए साबुन पानी से हाथ धोना हैंड सैनिटाइज करने से एक्चुअली बेहतर है। यानी कि 600 रुपए का हैंड सैनिटाइजर यूज करने से अच्छा यह है कि आप 10 रुपए का साबुन पानी के साथ यूज करें और 20 सेकंड तक अपने हाथ ढंग से धोएं। एक और भ्रांति जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये है कि क्या पब्लिक प्लेस पे जो साबुन होते हैं उनमें क्या ये कोरोना वायरस पाया जा सकता है। यानी कि अगर एक साबुन को 4 लोग इस्तेमाल करें और पहले व्यक्ति को कोरोना वायरस हो, तो क्या दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो सकता है उस साबुन को उपयोग करने से। इसका जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज जो साबुन आपके हाथ में लगने से वायरस को एकदम बीच से विस्फोट करके खत्म कर सकता है, वही साबुन अपने ऊपर लगे वायरसेस को भी समाप्त कर देगा तुरंत ही।